फेक पुलिस चोरी नाटक। उड़ीसा के एक शहर में बैंक मैनेजरों का एक इमरजेंसी मीटिंग चल रहा था। क्योंकि मामला बहुत सीरियस था, डीजीपी खुद उस मीटिंग में भाग ले रहे थे। बात ये थी कि उस शहर में अचानक बहुत सारे बैंक में चोरियां होने लगी। डीजीपी खुद आकर समझा रहे थे कि उन चोरियों से कैसे निपटा जाए। डीजीपी: डियर बैंकर्स, पिछले 6 महीनों में इस शहर में 18 बैंक में चोरियां हुई हैं। हर एक चोरी बहुत ही प्लानिंग के साथ और बहुत ही सूझबूझ के साथ हुई है। बड़े ध्यान से इन चोरियों को स्टडी करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये सब चोरियां रात को नहीं, दिन दहाड़े सबके सामने हुई हैं। इसमें ये पता चला है कि चोरियां होने के बहुत बाद पुलिस में कंप्लेंट आती है और ये चोरी सबके सामने खुलेआम करके वो चले जाते हैं और कोई भी निशानी नहीं छोड़ते। मैं ये जान गया हूँ कि ट्रेडिशनल तरीके से इसकी इंक्वायरी करने से हम चोर को पकड़ नहीं पाएंगे। जैसे मेडिसिन में कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसी तरह चोरियां होने के बाद सर पीटने से अच्छा है कि चोरियां होने से रोके जाएं। एक संतरी को एक गार्ड को रखने से बैंक की सिक्योरिटी नहीं होती। इसमें बैंक के हर एक एम्प्लॉय को ध्यान से आंखें खुली रखकर आसपास चौकन्ना रहना चाहिए, तभी इन चोरियों को रोका जा सकता है। तब एक बैंक मैनेजर खड़ा हुआ और पर ये कैसे होगा सर? तब डीजीपी: इस मामले में हम सबको पुलिस का काम करना चाहिए। इसमें आप सबको ट्रेनिंग देने के लिए हमारे खास CID पुलिस ऑफिसर अली बाबा और उसके साथ 40 पुलिस वाले चोर के बेस में आकर बैंक लूटेंगे और आपको उसे कैसे रोकना है ये डेमोंस्ट्रेट करेंगे। इस तरह हर एक बैंक एम्प्लॉई एक सैनिक की तरह तैयार हो जाएगा और वो चोरी होने से रोक पाएगा। ये सुनकर सबने ताली बजाई। एक बैंक में CID अली बाबा बैंक के स्टाफ के साथ बैठा हुआ था। तभी एक पुलिस कांस्टेबल उस बैंक के टेलर के पास आया। वहाँ एक कस्टमर पैसे गिन रहा था तो ये पुलिस वाला उसे पैसे छीनकर भागने लगा। तब वो कस्टमर चोर चोर कहकर चिल्लाने लगा। तभी कैशियर अपने काउंटर से उछलकर सीधा जाकर उस पुलिस वाले को पकड़ा, उसे 4 थप्पड़ मारे और उससे पैसे छीनकर वापस लाकर उस कस्टमर को दिया। तभी उसके पीछे अली बाबा, स्टाफ मेंबर्स और बैंक मैनेजर सब आए और शाबाश, वेल डन, ऐसा कहा। तब वो कांस्टेबल: ये क्या सर, आपने तो कहा था कि ये नाटक है, लेकिन इस कैशियर ने मुझे असली थप्पड़ मारे हैं सर। तब अली बाबा: डोंट वरी भाई, डोंट क्राई भाई, तुमने वाकई इस चोर का एक्टिंग बहुत बढ़िया किया, कहकर वो पैसे बैंक मैनेजर को लौटाते हुए अली बाबा: भाई इसी तरह की अगर आप सबने ट्रेनिंग ली तो आपके बैंक में चोरी बिल्कुल नहीं होगी। ये सुनकर बैंक स्टाफ खुशी से ताली बजाने लगे। कुछ महीने बीत गए, बैंक में चोरियां कम होने लगी। चोरी में निपुण मुन्ना से उसका चेला अमित: गुरुजी, अगर इस तरह पुलिस ने बैंक वालों के साथ हाथ मिला लिया तो हमारा क्या होगा? तब मुन्ना: अरे चिंता मत करो, अब तक तो हम सिर्फ छोटी मोटी बैंकों में चोरी करते आए हैं, अब एकदम लंबा हाथ मारेंगे, एक बड़े बैंक में चोरी करेंगे। उस शहर के सबसे बड़े बैंक के मैनेजर के पास एक कांस्टेबल गया और कहने लगा: डीजीपी साहब ने आपको ये देने को कहा है, कहकर एक लेटर दिया। मैनेजर उसे जोर से पढ़ने लगा: अब तक ज्यादातर बैंकों में हमने ट्रेनिंग दी है, इसके लिए मैं बैंक के स्टाफ को बधाई देता हूँ। अब आखिर में एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज करके इस ट्रेनिंग को मैं बंद करने वाला हूँ। कल करीब करीब 12 बजे आपके सारे ब्रांचों में हमारे स्पेशल CID ऑफिसर धावा बोलेंगे। इस बार वो पुलिस के वर्दी में नहीं, अलग अलग भेष में सिविल क्लोथ में आएंगे, इसीलिए आप अपने स्टाफ को चौकन्ना कर दें कि वो उन चोरों को यानी पुलिस वालों को पकड़ लें। अलर्ट होकर आपका DGP। मैनेजर: बस इतनी सी बात के लिए एक लेटर, अरे फोन कर बता देते। तब वो कांस्टेबल: अरे ऐसा है साहब कि अगर फोन करते तो फोन टैप करके कोई चोर सुन लेता तो वो इस मौके का फायदा उठाता, इसीलिए साहब ने आपको लेटर भेजा है, कहकर चला गया। बाहर आकर वो कांस्टेबल मुन्ना से: गुरु मैंने लेटर दे दिया है, कहकर उसने अपना हुलिया उतारा। वो और कोई नहीं, अमित था। चोरी वाले दिन बैंक कस्टमरों से खचाखच भरा था। ठीक 12 बजे 3 लोग उस बैंक में प्रवेश हुए। तीनों के सर पर पुलिस की टोपी जरूर थी, लेकिन कपड़े साधारण से थे। एक पुलिस वाला लंगड़े की तरह लंगड़ाता हुआ आया, दूसरा अंधे की तरह डंडे के सहारे आया और तीसरा गूंगे की तरह वा, 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 कहता हुआ अंदर आया।
कैश काउंटर के पास पहुंचकर गूंगा कहकर तीन उंगलियां दिखाते हुए यूं इशारा कर रहा था जैसे उसे 3,000 रुपए चाहिए। तब मैनेजर ने डीजीपी को फोन किया और कहने लगा, डीजीपी सर नमस्ते, आपके कांस्टेबल सभी अभी बैंक लूटने आए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। फोन पर डीजीपी, पर मैंने तो उनको भेष बदल कर जाने के लिए कहा था, आपने उन्हें पहचाना कैसे? तब मैनेजर, आई एम वेरी स्मार्ट सर, वो तीनों भेष बदल कर जरूर आए थे लेकिन सर से अपना टोपी उतारना भूल गए। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा सर, उनका हुलिया एकदम बढ़िया है। यूं कह ही रहा था कि तभी मुन्ना और अमित असली पुलिस के भेष में अंदर आए, लेकिन दोनों के सर पर टोपियां नहीं थी। उन दोनों को देखकर मैनेजर डीजीपी से, सर सर वेट, अभी अभी और दो पुलिस वाले आए हैं आपके, उनके हाथ में चाकू है और वो कोविड मास्क है ना सर, वो पहन रखा है उन दोनों ने, लेकिन इनके सर पर टोपियां नहीं है सर। लेकिन चोर की तरह ये भेष बदल कर आए हैं सर, मैं समझ गया कि ये दोनों भी आप ही के आदमी हैं। कुछ भी कहिए सर, यू आर टू इंटेलिजेंट, कहकर उसने फोन रखा और कैबिन से बाहर निकलकर जोर से, माय डियर स्टाफ, ये पांचों डीजीपी के आदमी हैं, उन्हें ज्यादा परेशान ना करें, उन्हें पैसे और सोना देकर भेज दें, नहीं तो बुरा मानेंगे। तब स्टाफ, ठीक है सर, ऐसा कहा। तब कैशियर ने एक पैसों से भरा सूटकेस मुन्ना के हाथ में दिया और कहने लगा, इसमें सारे नए नोट हैं, 40 लाख रुपए हैं, अभी अभी आरबीआई से आया है। तब दूसरे स्टाफ ने अमित के हाथ में एक बैग पकड़ाते हुए कहा, इस बैग में 2 करोड़ रुपए के जेवर हैं, ऐसा कहा। ये देखकर अंधे के रूप में खड़ा पुलिस, ये दोनों कौन है, ये हमारे आदमी नहीं है, कहकर उस जेवरों के थैली को छीनकर बाहर की ओर भागने लगा। तभी लंगड़े और गूंगे पुलिस वालों ने मुन्ना के हाथ से रुपयों के सूटकेस को छीनकर भागने लगे। तब अमित मुन्ना को देखकर, उस्ताद ये जेवरों की थैली लेकर भाग रहे हैं। तब मुन्ना, अरे रुपयों का सूटकेस भी लेकर भाग रहे हैं, पकड़ो इन्हें। यूं मुन्ना और अमित चाकू लेकर उन तीनों के पीछे भागने लगे। यूं पुलिस का पीछा करते करते चोर भागने लगे। ये खबर मिलते ही डीजीपी बेहोश होकर गिर गया।